हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सो आज की वीडियो में मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ दो अमेजिंग MIUI थीम्स, जो कि आप चेक कर सकते हो। एक थीम को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है जिसमें आपको कुछ ऐसी लुकिंग देखने को मिल जाएगी। आइकन पैक आप चेक कर सकते हो, आपको काफ़ी अमेजिंग यहाँ पे देखने को मिलता है, 3D लुकिंग में देखने को मिल जाएगा और भी काफ़ी चेंजेस हैं। और दूसरी थीम जो वो भी काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। सो आपको वीडियो को एंड तक वॉच करना है इन थीम्स को अप्लाई करने के लिए। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं ऐसी और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यहाँ से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता रहा था यहाँ पे इस थीम के बारे में, जिसमें आप चेक कर सकते हो आपको आइकन पैक काफ़ी अमेजिंग देखने को मिलता है, 3D लुकिंग में आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अमेजिंग है यहाँ पे। और आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर जो है वो आपको ऑल ब्लैक देखने को मिलेगा। और इस थीम के साथ आपको कुछ ऐसा नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिल जाता है जो कि आप चेक कर सकते हो। ऐसे कुछ आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाते हैं स्काई ब्लू कलर में। और यहाँ पे आप देखोगे डिलीट का आइकन भी आपको चेंज देखने को मिलेगा जो कि अमेजिंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो फोल्डर की लुकिंग है उसमें भी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हो। ऐसा कुछ आपको ग्रे कलर का बैकग्राउंड देखने को मिलता है जो कि अमेजिंग देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मैं बात करूँ इसके मैसेजिंग ऐप की, तो मी मैसेज और डायलर आपको चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको होम पेज पे लुकिंग चेंज देखने को नहीं मिलेगी, बट अगर आप कोई मैसेज ओपन करते हो तो आप देखोगे यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ग्रे कलर का लुक देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और बात करूँ इसकी लॉक स्क्रीन की, तो वो आप यहाँ पे देखोगे आप जब लॉक स्क्रीन को ऑन करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी फेड सी एनिमेशन देखने को मिलेगी वॉलपेपर में जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाती है। आप बीच वाले सर्कल में फोकस कीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो एनिमेशन जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है इस थीम में, बाकी सब आपको नॉर्मली देखने को मिल जाता है। बट यहाँ पे जो इसके हाईलाइट पार्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। यहाँ पे आप देख सकते हो आइकन पैक देखने को मिलता है, कंट्रोल सेंटर और यहाँ पे लॉक स्क्रीन में आपको एनिमेशन देखने को मिल जाती है। इस थीम को अप्लाई करने के लिए आपको थीम स्टोर पे आके ये वाली थीम सर्च कर लेनी है, 3D शाइनी ब्लैक, जो कि आप देख सकते हो 10.7 MB इसका साइज है। इसके क्रिएटर जो है AK मैन है। आपको ये सर्च कर लेनी है, डाउनलोड कीजिएगा, अप्लाई कर लीजिएगा। लाइट मोड को ही परफेक्टली सपोर्ट करती है, आप लाइट मोड में अप्लाई करके इसे अप्लाई कर लीजिएगा जो कि काफी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाएगी। नंबर 2 थीम आपको यहाँ पे पावर UI देखने को मिलती है जिसका साइज 5.7 MB है। केविन इसके क्रिएटर हैं। आपको इसे भी सर्च करना है, डाउनलोड कीजिएगा, लाइट मोड में अप्लाई करके इस थीम को फुली अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे आपको कुछ ऐसी लुकिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ आपको आइकन पैक देखने को मिल जाता है और आप देखोगे ऐसा कुछ क्लॉक का विजेट आपको देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपको सेटिंग्स का UI है वो भी चेंज देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। काफ़ी अमेजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हो जो बॉर्डर्स हैं वो आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाते हैं और साइड वाले जो टॉगल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं। और आप यहाँ पे देखोगे जो आपका मी मैसेज और डायलर है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा जो कि आपको कुछ ऐसी लुकिंग के साथ देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको साइड पे ऐसे ब्लू कलर के बॉर्डर देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप देखोगे जो कंट्रोल सेंटर है उसमें भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। हर टॉगल यहाँ पे वर्किंग है, काफ़ी अमेजिंग आपको थीम देखने को मिल जाती है। और इस थीम की जो लॉक स्क्रीन है वो आपको कुछ ऐसी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे नीचे। ऊपर आपको कुछ ऐसा क्लॉक का विजेट देखने को मिल जाएगा, नीचे आपको बैटरी विजेट देखने को मिलेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ विजेट देखने को मिल जाते हैं। और आप जब देखोगे यहाँ पे आपको ये जो क्लॉक देखने को मिलती है इससे आपको स्वाइप डाउन करना है तो आपको कुछ ऐसा पेज देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे दूसरी जगह से स्वाइप डाउन करोगे तो आपका पेज नहीं आएगा, आपको यहाँ पे क्लॉक से स्वाइप डाउन करना पड़ेगा जो कि आप देख सकते हो। यहाँ से स्वाइप डाउन करोगे ऐसा कुछ पेज आ जाएगा जिसमें आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाएंगे। कैमरा का शॉर्टकट है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैसेजिंग ऐप का शॉर्टकट है। आपको यहाँ पे जो है ये चार्जिंग भी देखने को मिल जाती है आपकी जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको बता देगा ईयर कितना लेफ्ट है अभी। और यहाँ पे आपको डे एंड डेट भी देखने को मिलेगा, कैलेंडर भी देखने को मिल जाता है। और भी यहाँ पे आपको शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे जिसे आप क्लिक करके इजिली ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे मैंने थीम्स पे क्लिक किया तो देखोगे यहाँ पे थीम स्टोर इजिली ओपन हो जाएगा जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपको अपनी होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के वॉलपेपर को कैसे चेंज करना है। उसके लिए आपको आ जाना है थीम स्टोर पे। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, माई अकाउंट के ऑप्शन में आना है। यहाँ पे आने के बाद लॉक स्टाइल में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखोगे आपको लॉक स्क्रीन वॉलपेपर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। और यहाँ से आपको कस्टम वॉलपेपर पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको नीचे जो ऑप्शन देखने को मिलता है चूज कस्टम लॉक स्क्रीन वॉलपेपर, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको गैलरी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको कोई भी वॉलपेपर अभी के लिए सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने ये वाला वॉलपेपर सिलेक्ट कर लिया है तो अभी आप लॉक स्क्रीन पे देखोगे तो ये वॉलपेपर अप्लाई नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है बैक। अब आपको क्या करना है, गैलरी में आना है। यहाँ पे आने के बाद जो वॉलपेपर आप एक्चुअली में अप्लाई करना चाहते हो उसे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे ये वॉलपेपर को अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया। अब आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, सेट एज वॉलपेपर पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा और इसे सेट एज होम स्क्रीन कीजिएगा सिर्फ। यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पे सेट कर देना है। अब आप देखोगे आपका ये वॉलपेपर यहाँ पे होम स्क्रीन पे सेट हो जाएगा। जैसे आप होम स्क्रीन पे इसे सेट करोगे उसके बाद जब आप यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे आओगे तो जो वॉलपेपर आपने होम स्क्रीन पे सेट किया होगा वही लॉक स्क्रीन पे भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा जो कि आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको अमेजिंग देखने को ये मिल जाता है, बट पहले आपको
आपको थीम स्टोर में जाके जो मैंने करने को बताया ये कस्टम वॉलपेपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कोई भी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेना है तभी आपका ये वॉलपेपर अप्लाई होगा। सो आप ऐसे वॉलपेपर को चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कोई और वॉलपेपर भी अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। सो फटाफट यहाँ से कोई और वॉलपेपर को अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, थ्री डॉट पे क्लिक किया, सेट एज वॉलपेपर, यहाँ पे अप्लाई, सेट एज होम स्क्रीन। अब यहाँ पे जब दोबारा आप लॉक स्क्रीन पे आओगे तो आप देखोगे आपको ये वॉलपेपर जो है चेंज देखने को मिल जाएगा, बट पहले आपको यहाँ पे होम स्क्रीन को लोड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लोड किया मैंने होम स्क्रीन, तो आप देखोगे यहाँ पे लोड हो चुकी है। अब आप देखोगे आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अमेजिंग आपको देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे ये कुछ आपको थीम्स देखने को मिलती हैं। ये थी आज की कुछ वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।